ये लास्ट टाइम बारह चालीस करते हैं क्योंकि वो साढ़े बारह बोले थे चालीस बयालीस तक इशारा कर दीजिए करिए ना <laughs> शुरू करें रहीम रही नस्त अज़ीज़ तलबा कशपात के गुजा दुरुस में एक दो दर्स के मज़मून का थोड़ा सा इशारा मैं करूँ वो ये कि पिछले दर्स में दुरुस में ये बताया शेख मोहम्मद महमदा रिमल्ला की तहरीर ने कि कुफारे मक्का जिनको हम कुफ़ार और मशरकिन कहते हैं वो अल्लाह तबारक व ताली की रुबूबियत को मानते थे कुरान की कई आयत इस पर शाहिद हैं जिसमें साफ साफ कहा गया कि इन लोगों से पूछा जाए कि आसमान ज़मीन को किसने पैदा किया इनसे पूछा जाए कि हमारी आँख कान का मालिक कौन है इसका इख्तियार कौन रखता है इनसे पूछा जाए कि मलकूतु समावात वाल अर्थ किसके हाथों में है और कौन है कि अगर वो बचाए पनाह दे तो कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता पूरी कायनात नुकसान नहीं पहुंचा सकती और कौन है कि अगर वो पकड़ना चाहे तो कायनात की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती ये इन सारों सारे सवाल का कुरान में मुख्तलिफ मकाम पर तस्करा करके जैसे यूनुस है मोमिनून है इनमें बताया गया कि इनका जवाब ख़ुद ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ये सारे काम करता है वो खालिक मालिक राजिक रब वही है गो वो रबूबियत मानते थे फिर इसी ज़िन में ये तस्करा किया कि अब उनका शिर्क क्या था तो ये बयान किया कि वो कुछ बुजुर्गों को कुछ सालहीन को मलाइका को बाज अम्बिया को अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ता मानकर पुकारते थे उनके साथ अमूर तब्दी को बजा लाते थे यानी इबादत करते थे उनकी और यही उनका बुनियादी तौर से शिर था वो रुबूबियत में किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराते थे बाहर ये अलग बात है कि उलूहियत में शिरक करने के नतीजे में कई मकाम पर रबूबियत का शिरक भी आ जाता है हाँ अल्लाह आलमीन ने उनके इस शिरक का रद्द किया और पिछले दरस में हमने ये पढ़ा था कि आपने ये जान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इसी शिरक पर उनसे किताल किया उनसे जो जंग लड़ाई और इख्तलाफ रहा वो इसी शिर कौन सा शिरक उलूत वाला रुबूबियत वाला नहीं अल्लाह ताला की इबादत के मामला जो हम ला अला कहते हैं आगे आ रहा है तो ये यह कलम तोहहीदहत में अल्लाह रबीन को वाह शरीक बनाता मानता है मानने का इजहार कर इजहार है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक है ही नहीं इबादत के लायक हकीकत में सच्चाई में सिर्फ और सिर्फ वही है वाजे इससे पहले आप लोग इस सिलसिले में कुछ बातें जान चुके हैं कि अल्लाह तबारक व ताली की उलूहियत में उनका जो इख्तलाफ़ था अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर उनसे किताल किया और यहीं उनको ताज्जुब भी होता था हाँ और वो ये कहते थे कि हम अल्लाह तबारक के बराबर इन इन माबूदान को नहीं मानते जिनको जिनका आप तस्करा कर रहे हैं से अल्लाह तबारा अल्लाह के रसूल की दावत यही थी कि फ़ला तदरुम अल्लाह अहदा अल्लाह के सिवा किसी और को ना पुकारो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो और एक आयत हमने पढ़ी थी अल्लाह ताला ने फरमाया लहू दावत वन यदून मिन हिंदू ला यस्तजीबुन लहुम बेषय के हक की पुकार दावत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और जिन लोगों को अल्लाह के अलावा ये लोग पुकारते हैं हाँ वो कुछ भी जवाब नहीं दे सकते कबूल नहीं कर सकते हाँ और फिर ये बात वाज हो गई कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे किताल इसलिए किया उनको ये दावत दे रहे थे कि आपकी दुआ सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए नज़र व नियाज सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए ज़बाह अल्लाह के लिए होना चाहिए इसते आनत इस यानी मदद तलब करना ये और ऐसी सारी इबादत ज़ाहरी हो या बातनी हो सब के सब अल्लाह तबारक वाली के लिए ही होनी चाहिए और इस ज़िम्मन में आखिरी दरस में मैंने बताया कि ये जिनको पुकारते थे जैसे मलाइका हैं और अम्बिया हैं ये नेक और साले होने के हैसियत से कि वो अल्लाह का तकरब रखते हैं हम गुनहगार हैं ये पाक साफ लोग हैं लिहाजा इनका वसीला लगा के हमें दुआ मांगनी चाहिए और आखिर जो अभी आपने बताया आ, उसमें शायद इसी जिम में ये तफसील आई थी कि नेक लोग अच्छे लोग फरिश्ते हों या अलिया सालहीन हो अम्बिया हों ये अल्लाह की मखलूक ही हैं कोई कितने भी दर्जे पर पहुंच जाए वो हमारे लिए काबिल अहतराम हो सकता है लेकिन काबिल इबादत नहीं हो सकता ये पिछले दुरूस के ताल्लुक से मैं थोड़ा याद दहानी के तौर पर मैंने बातें अर्ज की आगे की इबारत जो कशफ शुभात में है हाँ आसान साफ लेकिन इंतहाई अहम शेख ने फरमाया कि जब तुमने ये जान लिया ये भी जान लिया व आरफता बहुत अच्छी तरह समझें बज़ाहिर आसान सी बात लगती है लेकिन अगर प्रैक्टिकल दुनिया में देखें तो आज हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं कुरान हदीस पर ईमान लाने के दावेदार हैं उनके यहाँ भी ये बात नज़र आएगी और इस बुनियाद पर वो भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं जिस चीज़ का इकरार कुफारे मक्का करते थे उसे मानकर आज बहुत सारे लोग अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं वो क्या है शेख ने कहा कि यह बात भी तुमने जान ली कि उनका रबूबियत का इकरार करना अल्लाह को रब मानना अभी पढ़ा ना हमने ये बात अच्छी तरह दिमाग में हमेशा रखिए इस इन इंदुरुस को पढ़ते हुए तोहिद पर गुफ्तु करते हुए कि कुफार मक्का अल्लाह को रब मानते थे कुफार मक्का जिन मबूदों को पुकारते थे आ, उनको रब नहीं मानते थे हाँ, उनको इलाह के तौर पर वास्ते और वसीले के तौर पर मानते थे ये नहीं कहते थे कि ये रोजी देने वाले हैं रज़ाक ये हैं या रब ये हैं खालिक ये हैं ऐसा नहीं कहते थे तो ऐसा मानने के बावजूद कुफार के इस इकरार के बावजूद जो पहला ही जुमला है इस इकरार ने उनको इस्लाम में दाखिल नहीं किया हम्म व अन ना कसद हम अलमलाया वल अंबिया वलौलिया यदुना शफात हूँ और मलाया अम्बिया अलिया की तरफ वो जो इरादा करते थे इबादत के अमूर में तोज् करते थे हाँ इससे उनकी ख़्वाहिश उनका इरादा शफा शफात का होता था और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला का तकर्रब व तकर्रबा अदालिकख इन कामों के ज़रिए से यानि जो फरिश्तों के नाम पर वह करते थे जो बुज़ुर्गों और अम्बिया के नाम पर चढ़ावे चढ़ाना नज़र व करना उनके जो भी इबादात के मामला करते थे उससे उनका मकसूद क्या था किसका अल्लाह इससे बिल्कुल क्लियर क्या बात हो गई कि हकीकत में वो किसको किसको मान रहे हैं अल्लाह को इनको बीच का वास्ता मान रहे हैं हकीकत में रब अल्लाह को मान रहे हैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं तो दिलाऊंगा कि हमारे यहाँ आप अहले तसव्वुफ की अहले कलाम में एक बड़ी तादाद की किताबों को छाने तो उनके यहाँ ये नज़र आएगा कि वो अपनी पूरी जब तौहीद पर बहस करते हैं तौहीद को साबित करना चाहते हैं या जिस तौहीद की दावत देना चाहते हैं पूरी तोहद रबूब पर लगाते हैं ला इल्लल्लाह की ऐसी तशरीह करते हैं कि एक तो उसका माना यह बयान कर देते हैं अहले तसव्वुफ अपने वजतुल वजूदी अकीदे के मुताबिक के हर चीज़ अल्लाह ही अल्लाह है मौजूद सिर्फ अल्लाह है ये तशरी करते हैं तो अब कायनात के हर चीज़ में अल्लाह है एक ये वजूद वाला और इलाह के या दावत तौहीद देने के नाम पर वो रुबूबियत साबित करने की कोशिश करते हैं मनवाने की कोशिश करते हैं हाँ अगर आप बाज़ उलमाए सलफ़ की किताबों को खंगालेंगे तो उनका शदीद रद्द करते हुए कहा बयान किया रूबीयत का मामला तो ऐसा था कि कौम नूह के लोग भी अल्लाह ही को रब मानते थे कुफ़ार मक्का भी अल्लाह ही को रब मानते थे और आज भी मैंने अभी एक क्लिप देखी हाँ आ, एक साहब ये कहते हुए कि हम मतलब नाम मैं ले रहा हूँ वजाहत के लिए तबलीगी जमात वाले हमारी दावत में भी तोहद है ये अमल है शायद उनको ये कहना पड़ा हम अक्सर ये अहिलदीसमा बयान करते हैं कि तोहद को बुनियाद बनाना और उसको दावत तबलीग का ख़ुलासा बनाना यह अम्बिया का तरीक़ा है लिहाजा अम्बिया के मनहज पर उसी की दावत व तबलीग होगी जो तो को बुनियाद माने तोहीद को अपनी दावत का, का की असास करार दे और उसी के गिरद सारी बातें बयान करें तो ये उसका मनहज होगा और इस मनहज के मुताबिक अगर हम आज जितनी भी दावतें दुनिया में नज़र आती हैं देखें तो कोई गलत बात या असवियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की तर्जुमानी और अला वजील बसरा ये बात कही जा सकती है कि सिर्फ़ सलफ़ी और जमात अहदीस जो दुनिया में पाई जाती है सलफ़ी कहलाएं अहलुल हदीस कहलाएँ यही लोग हैं जो अम्बिया के मनहज पर तोहद को अहमियत देते हैं और अपनी दावत की बुनियाद बनाते हैं इसमें समझौता नहीं करते इसको पूरी क़वत के साथ बयान करते हैं सिर्फ यही लोग अब उसके रद्दमल में ये बात बयान की जाती है तो कुछ लोग ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हम भी तोहद मानते हैं देखिए जमात इस्लामी की दावत की बुनियाद है हुकूमत इलाहिया अलाम करना का, का, को कायम करना ये किसी हम कहते हैं किसी नबी ने नहीं कहा तो वो क्यों कहते हैं कहते हैं कि ताहवत की इतवाद हम नहीं करेंगे यहाँ तोहद मकसूद है कि कानून सिर्फ़ अल्लाह का चलेगा जो गैर अल्लाह का कानून माने मुशरक है हम कहेंगे ये तो का एक हिस्सा ज़रूर है पूरी तोहद नहीं है और उसकी तश्रियात में भी उसको उसके अहकाम को बयान करने में वो नबी के और कुरान के मनहज से हट जाते हैं गलत मसाइल बयान करते हैं फिलहाल उसका मौका नहीं हमारे दर्ज से मुतिक जो बात है वो ये कि तोहद पूरे तरीके से वो इख्तियार नहीं करते उमूर तबी में बहुत सारी शिरकियात वो देखते हैं कहते हैं खामोश रहो इससे इख्तिला इस बहस को छेड़ने से हाँ अब ऐसे ही एक साहब की अभी मैंने क्लिप देखी जिसका तस्करा कर रहा था कि हम तबलीगी जमात के लोग जो हैं तोीद पर ही तो अपनी बात को मरकूज रखते हैं आप देखिए कि हमारे यहाँ जब मतकल मकर वो जो कई नंबर है ना उसमें तकरीर वक्रीर करने वाले जो पाँचों छठे नंबर जिस नंबर पर भी जाते हों तो कहते हैं कि अक्सर ये कहते हैं अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है अल्लाह तबारा को तला ही सब कुछ करता है सारी चीज़ों का मालिक है हाँ तो कहा ये सब जो हम बयान करते हैं शुरुआत में तोहद ही तो है तो सारी ज़ात सारे काम करने वाला अल्लाह ही है और अल्लाह तबारक ही रोज़ी देता है ज़िंदगी और मौत देता है ये बात हम यह अर्ज़ करना चाहते हैं यहाँ इस जुमले में गौर कीजिए कि कुफ़ार मक्का भी मानते थे लेकिन फिर भी मुसलमान ही नहीं हुए हम उनको कुफ़ार कहते हैं कुरान हदीस कुफार कहते हैं मुशरकिन कहते हैं क्यों इसलिए कि वो अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ता और वसीला करार देकर कुछ अम्बिया या बुजुर्गान या मलाइका को पुकारते थे उनको वो हक़ देते थे जो सिर्फ अल्लाह का खालिस हक है और इसी बुनियाद पर वो मुशरिक कहलाए काफिर कहलाए और तोहीद रियत को मानने के बावजूद कि अल्लाह ही रोजी देने वाला है सब कुछ करने वाला है ये मानने के बावजूद वो मुसलमान नहीं हुए मेरी बात समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ हाँ ये जमनन मैंने इसलिए वजाहत की कि इस इन जुमलों की आप अहमियत समझें नज़ाकत समझें हाँ कह रहे हैं आ, ये लोग अपने अल्लाह तबारक तआला को रब मानते थे लेकिन उनकी रबूब रुबुभी, अकरार रुबूबियत ने उनको मुसलमान या इस्लाम में दाखिल नहीं किया और फिर वो जो उनका मलाइका अम्बिया अलिया की तरफ वो जो इरादा या कस्द करते थे इससे उनकी मुख, म, म, उनका मनशा ये था कि वो उनको सिफ़ारशी बनाएँ इनकी शफात तलब तलब करें और इसके ज़रिए से अल्लाह की क़ुरबत हासिल करें इसी अकीदे की बुनियाद पर होल्ला दिमा अहम व अम्वाहम यही अकीदा और यही फ़िक्र जो थी यही अमल उनका वो था जिसने उनके जान व माल को हलाल किया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने उनसे जो जंग की और उ, उन पर जो है वो उनकी जान को हलाल करार दिया गया जाहिर सी बात है जंग में फरीक़ैन में से किसी की मौत होगी ना तो लड़ाई करने का मकसूद ये था कि सामने वाला मर भी सकता है तो उनके मार देने का जायज़ होना या रास्ता खुलना किस बुनियाद पर था उनका इस उनके इस अकीदे की बुनियाद पर अगर वो रबूबियत के मानने से मुसलमान माने जाते तो उनकी जान माल हलाल नहीं होती हराम होती हुरमत वाली होती तो कहा यही इसी चीज़ ने उनके जान माल को जानों और मालों को हलाल किया और तुमने ये भी जान लिया वायरफ तहीन दिन अदी रसुल व अबा अनिल अकरार बहीशरकून वहादा अः तो व माना कौले का लाइला यहीं से आप ये जान जाएंगे कि वो तोहद कौन सी है जिसकी तरफ रसूलों ने दावत दी और जिसका मुशरकिन ने इनकार किया कबूल करने से मना कर दिया हाँ कौन सी तोहिद है यही ये बात वाजि हो जाती है और ये वही तो यही तोहद वो है जिसका आ ला इला, जो ला अला का माना है इसलिए कि अला उनके नज़दीक वही ज़ात थी जिसकी तरफ इन उमूर में कस्द किया जाए अपनी जरूरियात के पूरा करने के लिए इबादत के अमूर में जिसकी तरफ तोजह हों यही उमूर जिसकी तरफ ले जाए जाएँ जाए और उसके सामने झुका जाए ज़ाहरी बातनी तौर से अजजी इख्तियार की जाए यही चीज़ें इबादत की है और इसका जिस जिसकी तरफ इसको फेरा जाए वो उनके नज़दीक इलाह था हाँ इलाह है अब वो चाहे जिसकी तरफ तो मुतवजह हो रहे हैं वो बादशाह हो या नबी हो या वली हो या दरख्त हो या कब्र हो या कोई जिन हो समझ में आ रही बात यानी अपने हाजात और ज़रूरियात उमूर तब्दी के ज़रिए से हल करने के लिए हाँ झुकना नज़र नियाज करना नमाज़ पढ़ना रुकू सजदा करना ये मैं इबादत की कुछ किस्मों का तस्करा कर रहा हूं इन इबादतों में जब बंदा इनको इख्तियार करता है तो जिसकी तरफ मुतवजह हो रहा है अपने मसाइल को हल करने के लिए हाँ यही चीजें जिससे की जाती हैं उसको इला कहेंगे और हम कह रहे हैं ला अल्लाह अल के सिवा बरह कोई है ही नहीं इसका मतलब हमारी तो अज्जो नियाज का हाँ खालस और सिर्फ अकेला मुस्तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है बात समझ रहे हैं यही अम्बिया की दावत थी इसी में ये पूरी इबारत का हासिल यह है कि अम्बिया और उनकी कुफार कौम मुशरक कौम का झगड़ा यही था अल्लाह खालिक है राजिक है अम्बिया भी ये मानते थे और कुफार भी मानते थे अक्सर व बेशतर अला माशा ये भी मान रहे हैं क्या नहीं मानते थे जिसका झगड़ा था अख्तिलाफ था जहाँ मसला पैदा हुआ वो ये कि वो अल्लाह के सिवा इन बुजुर्गों को इन मलाइका को जिनको वो मान रहे हैं मबूद का दर्जा दे रहे हैं इलाह का दर्जा दे रहे हैं अपने मामलों के इबादती अमूर के ज़रिए से कह रहे हैं वल लम यीद अनलाहालमुदबिर उनका ये मकसद और इरादा था ही नहीं कि अलाह वो है जो खालक है राजिक है मदब्बर है वह है ही नहीं समझ रहे हैं यहाँ फिर से मैं इशारा करूँ शरुलाकी तहविया में इज़ ने एक मिसाल दी बहस की कुरान की आयत है आ, क्या है वो अगर इस कायनात में दो मबूद होते तो ये सब तरह।, तरह लौकाना फ़ी हेमा आ लतल्ला दो नहीं कई लऊ काना फ़ी हेमा आ लत देता अगर समी आसमान में आलह होते आलहा जमा है अलाह की आलह होते सिवाय अल्लाह के लफ सदता तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते हैं यहाँ इसकी तशरी करते हुए अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर इस कायनात के दो रब होते या कई रब अरबाब होते तो तबाह हो जाते वो कहते हैं कि यह माना गलत है और सही बात भी है क्योंकि आयत में लफ्ज़ क्या है लमा आलिहा महबूद माबूद होते तो ये जो निज़ाम हम कायनात का देख रहे हैं सूरज चांद सितारे कहकशाएं जमीन आसमान मौसमियात ये पूरा जो निज़ाम चल रहा है ये तबाह हो जाता मतलब ये निजाम है अगर कई माबूद होते हकीकत में तो ये तबाह हो जाता क्यों तबाह हो जाता अभी आगे तशरी ये कहते हैं कि अगर ये माना इसका होता कि अगर इस कायनात में कई रब होते अगर कई रब होते ना तो ये कायनात बनती ही नहीं एक रब था इसलिए बन गए मिसाल दी उन्होंने कि फर्ज करो दलील तमानों के तौर पर कि फर्ज करो एक अगर एक से ज़्यादा रब होते अब एक सूरज को बनाता तो बोलता कि गोल बन जाए एक बोलता कि चौकोर बन जा या तीन कोना बन जा तो अब सूरज के लिए क्या मुमकिन होता या तो दोनों की माने या दोनों की ना माने या किसी एक की माने तीन में से एक ऑप्शन रहेगा ना हाँ अगर दोनों की मानेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि एक ही टाइम में गोल भी रहे चौकोर भी रहे हो सकता है नहीं इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म दोनों की ना माने ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो कुदरत वाला है उसकी बात मानना पड़ेगी हाँ तो दोनों की ना माने ये भी नहीं हो सकता एक की मानेगा यही होगा और एक कौन होगा जिसकी मानेगा जो कादिर है जो ताकतवर है जो गालिब है उसकी बात मानना पड़ेगी अब जो गालिब है वो रब होगा और जो मगलूब है वो रब नहीं हो सकता लिहाजा एक ही रहेगा और एक है तो बनेगा अब अगर माबूद आप मानते हो किसी को कि ये कामों को मेरा कर देगा आप किसी को हम किसी को पुकार रहे हैं कि परवरदिगार ये कर दे मेरा मेरी ये ज़रूरत है तो हम ये मानकर उसको पुकार रहे हैं कि वो पूरी कुदरत रखता है उसके अंदर कोई आजजी कोई ताकत की कमी कोई ऐब कोई नक्स है ही नहीं तभी तो वो हमारी सुन सकता है हमारे बातों का जवाब दे सकता है सारे काम और कायनात का सारा निज़ाम चला सकता है तो जब हम मबूद मान कर पुकार रहे हैं इसका मतलब वो मबूद वो है जो हमारी सुनता है और कायनात के सारी चीज़ों को संभाले हुए ऑलरेडी पहले से और इसकी कुदरत रखता है इसीलिए लिए मबूद है और हम ये कह रहे हैं कि मेरा ये कर दे मेरा वो कर दे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है इसको ठीक कर दे मतलब वो कर सकता है पैर पहले से है रब ने बनाया अब मबूद है जो इसको ठीक करेगा चलाएगा जरूरियात पूरी करेगा सुनेगा हाजतों को जानेगा और उसको पूरा करेगा ये मबूद है तो अब हम जब आलिया की हैसियत से किसी और को मानेंगे तो कुरान कह रहा है कि कई महबूद होते ना तो सब निज़ाम धरहम भरम हो जाता एक निज़ाम चलाने वाला कई अगर होता जैसे दुनिया में हम देखते हैं बादशाह दूसरी आयत में सूर्य बनी इसराइल की कहा गया कि अगर कई लोग होते महबूद तो हर एक का अपना अपना काम होता और अपने काम और अपनी सल्तनत को हर एक अपने कब्जे में रखता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता दुनिया में जैसे बादशाहों का मामला होता है कि एक की सल्तनत यह है एक की सल्तनत यह है एक की वो है अब आज के जदीद दौर में कब्जे की कुछ दूसरी शक्लें हैं माशियात की पॉलिसीज की हाँ अकवा मुतहदा और फलां और फलां ढोंग रचा कर जो है अपनी पॉलिसीज को नाफि करना माजी में यह होता था कि एक मुल्क का बादशाह ताकतवर होता था तो दूसरे पर हमला करता था कब्जा हो जाता था होता था ना तो जिसकी जितनी ताकत हो और जिसकी जो सल्तनत है वो अपनी अपने सल्तनत और रजवाड़े को बचाने की कोशिश करता था उसके दफा करता था जंग होती थी है ना अब कायनात में अगर कुछ हिस्सा कुछ सूरज किसी का कुछ चांद किसी का कुछ जमीन किसी म, रब की होती महबूद की होती कुछ किसी की होती तो हमें क्या नजर आता कि यहां भी जंग चल रही है उसके हिस्से पर यह काबिज़ होना चाहता है उसके हिस्से पर वो काबिज़ होना चाहता है तो एक उसको सूरज फेंक के मारता दूसरा जो है उससे बड़ा वाला सितारा फेंक के मारता और निज़ाम कायनात में तोड़ फोड़ दरहम बरहम वाला मामला नजर आता हम बचते ही नहीं हा? जैसे ये होता होता ना लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सारा मामला निज़ाम के तहत चल रहा है अपने अपने मदारो महवर पर हर चीज़ गर्दिश कर रही है चीज़ों का के अंदर एक इंतज़ाम और नजमो जब्त नज़र आता है ये इस बात की दरील है कि इन सब चीज़ों को चलाने वाला एक ही है वाजे तो के कि रब 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 का सही पाया नहीं हमारा कैसा होना चाहिए बिगड़ता कहाँ से है ये जो हम पढ़ रहे हैं यहीं से बिगड़ता है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ इसको एक दूसरी हैसियत से समझिए आपका सवाल का जवाब भी आ जाएगा मुशरकिन मक्का रब मान रहे हैं लेकिन इलाह दूसरे को मान रहे हैं है ना अब जब इलाह दूसरे को माना ना कुछ लोगों को यहाँ समझने में ये गड़बड़ होती है मैंने उलमा को देखा है हाँ वो ये कहते हैं कि मुशरकिन जो हैं वो रुबूबियत में तोहद के कायल नहीं थे हाँ हाँ बात एक पहलू से सही है हम जिस पहलू से समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि वो खालिक राजिक मालिक तो मानते थे इबादत पे गड़बड़ करते थे मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ कि अभी हमने पढ़ा कि रुबूबियत का मानने वाला ये रुबूबियत को मानते थे मुसलमान नहीं होता है ना अल्लाह को रब मान लिया इतना मान लेना मुसलमान होने के लिए काफी नहीं है इलाह भी मानना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर अल्लाह आलमीन को तनहा ला शरीक इलाह मान लिया तो मुसलमान होने के लिए काफी है कि नहीं कैसे ये ये नुक्ता है कि अगर आपने या किसी ने अल्लाह आलमीन को ला शरीक अकेला इलाह माना तो अल्लाह को इलाह मानने में अल्लाह को रब मानना और अल्लाह ताला के तमाम आसमाव सिफात और ख़ूबियाँ जो आसमाव सिफ़ात के ज़रिए साबित होती हैं कुरान हदीस की वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है मैं इसकी मिसाल यह, इस तरह देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको हमको कोई ज़रूरत है हाँ औलाद की कर्ज़ की अदायगी की बीमारी से शेफा चाहते हैं कोई भी जो हाजत है हम पुकार रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह आ, मेरी फला फला जरूरत को पूरी कर दे जब हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो ये मांगना हमारा जो अमल है ये क्या है इबादत। ये इबादत है दुआ करना इबादत है मतलब हम इस अमल को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना जायज मानते हैं यानी दुआ सिर्फ उसी से की जाए जब एक बंदा अल्लाह से दुआ कर रहा है तो ये तोहहीद इबादत या तोहद उलूहियत पर अमल कर रहा है जिस वक्त तो वो ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे औलाद दे मेरे पास औलाद नहीं है तो अब इस सवाल में खुद ब खुद रबूबियत और असमाव सिफ़ात की बात भी आ गई वो ये कि आप जब अल्लाह को पुकार रहे हैं तो आपका अमल इबादत है और पुकारते हुए आप ये अकीदा रखते हैं कि मेरी पुकार को अल्लाह सुनता है मतलब वो समी है मेरी पुकार को सुन के वो मेरी ज़रूरत को पूरी कर सकता है जवाब दे सकता है कबूल कर सकता है ये अल्लाह तबारक तुदरत और उसके उसी की मशीत से काम होते हैं इन सिफात पर अकीदा हो गया और औलाद मांग रहे हैं ये जो चीज़ मांग रहे हैं उसके बारे में हमारा ये अकीदा कि औलाद देने वाला यानि औलाद को पैदा करने वाला औलाद पैदा करने के प्रोसीजर को बनाकर उसको कामयाबी से हमकनार करने वाला वही है ये रुबूबियत है समझ में आई यानी आपने अल्लाह से एक चीज़ मांगी उसमें तीनों तोहद आ गई कुफ़ार मक्का तो रबूबियत मांग रहे हैं कि मान रहे हैं कि रजाक अल्लाह है खालिक अल्लाह है रब अल्लाह है लेकिन इबादत में दूसरों को भी शरीक कर रहे हैं रबूबियत है उलूत नहीं है अब यहाँ जब उलोहीत में वो शरीक कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि आप उलोहियत में अल्लाह को मान रहे हैं और मुबारक ये आपके जवाब का हाईलाइट मतलब आखिरी हिस्सा जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो रुबूबत और उलोहीत खुद आ गई ऐसे ही जब वो अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक कर रहे हैं तो नतीजे में और रबाव सिफात भी मुतासिर हो रहे हैं वो अल्लाह को कह रहे हैं ये उलूहियत में इनकार का या शरीक ठहराने का नतीजा खुद ब खुद हो रहा है कि वो अल्लाह को पुकारने के साथ साथ जब किसी और को भी पुकार रहे हैं इसका मतलब किसी और को भी उस काम में हिस्सेदार मान रहे हैं जो जो अल्लाह से मांगना चाहिए एक तरफ वो खुद कह रहे हैं इसीलिए तो अल्लाह ने जगह जगह सवाल किया ना कि तुम कहते हो कि आसमान जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है कान आंख दिलो दिमाग का सारी चीजों का मालिक अल्लाह है बचाने वाला अल्लाह है फिर तुम्हारी अकल कहां फिर गई है तुम्हारा दिमाग कहा चल गया है कि ये तो तजाद की बात है ना एक तरफ तुम कह रहे हो कि राजी खालिक मालिक सिर्फ वही है फिर किसी और से मांगने का क्या मतलब इसका मतलब यह कि आपका ये मानना पूरा पूरा ठीक ठाक नहीं है जब आप इबादत किसी और की तरफ फेर रहे हो तो आपकी रबूबियत का अकीदा भी मुतासर हो रहा है असमांव सिफात में अल्लाह कोशरी आप नहीं मान रहे हो हाँ अल्लाह ने कहा कि उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो ऐसे को पुकारता है जो कयामत तक उसकी पुकार को सुन नहीं सकता और अगर बिलफा से महाल सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकता तो सुन नहीं सकता पुकार रहा है सुनने वाला समी होना यह अल्लाह की सिफत है हर आवाज को सुनने वाला लेकिन मुश्रक इसको जब किसी और को पुकार रहा है तो वो ये समझ नहीं रहा है मानता नहीं है अकीदे से लेकिन उसका ये अमल इस बात पर दलालत कर रहा है इसमें मुश्तमिल है, इस बा... वो इस ये बात शामिल है कि वो उसको भी सुनने वाला मान रहा है ठीक है आगे बढ़ू वक्त कम है हमारे पास हाँ जी जानता हूं देख रहा हूं सामने दिखा तो ये कह रहे हैं कि इससे जब वो अल्लाह जब अल्लाह के अलावा किसी और की फरिश्ते की नबी की वली की इबादत ये फरिश्ते और नबी का तस्करा बार बार इसलिए भी शेख ने भी किया मैं भी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं जैसे बरेलवी हजरात यहाँ और दिमाग में एक चीज़ को ताज़ा कर लीजिए बरेलवी हजरात से जब आप इस किस्म की बातों का रद्द करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि कुफार मक्का जिनको पुकारते थे ना जिनकी इबादत करते थे वो गुमराह काफ़िर जाहली लोग थे वो सही नहीं थे और हम जिनको पुकारते हैं हम जिनको अल्लाह व तआला के यहाँ सिफ़ारशी मानते हैं वसीला मानते हैं वो कौन लोग हैं औलिया सालेहीन, अम्बिया इनके ग़लत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता तो ये तसल्ली देते हैं और उनके जाहिल लोग इस पर मतम भी हो जाते हैं तो उसी की तरफ उसी का जवाब देते हुए शेख मोहम्मद रहा ने कई जगह पर इन बूतों का और दूसरों का तस्करा करते हुए ये भी जिक्र किया कि भाई ईसाई हैं जो नसारा हजत ईसा को मानते थे ईसा कौन थे एक पैगंबर थे है ना अज़म रसूलों में से एक है हाँ और इसी तरीके से कुफार मक्का जहां बहुत सारे दूसरे महबूदों को शजर हजर को मानते थे वहां मलाइका को पुकारते थे मलाइका कौन है अल्लाह के मुक़र्रब बंदे है ना यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की बेटियां कहा उनको नौजबिल्ला जैसे नसारा ने हतीसा को अल्लाह का बेटा कहा उज़ैर ने आ, आ, यहूद ने हजरत उज़ैर को कहा तो ये जो है नेक साले अच्छा लातो मनात में भी जिन शख्सियात को इन्होंने माना वो नेक थे और हमने ये पढ़ा कि हत सलाम की कौम ने जिन महबूदों को बनाया बुतों को जिन शख्सियात की वो कौन थे वद सवा यहूद यारुक नसर कौन लोग थे सालीन थे और वहाँ उनके मशरक और गलत होने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि दलाइल से यह बात साबित है कि कौम नूह के इस शिरक बद सवा यहूस नसर के बुत बनाने और फिर अगली नस्ल में शिरक आने से पहले दुनिया में शिरक था ही नहीं लिहाजा वद सवा यहूस याहूद नसर इनके यहाँ शिरक हो ये हो ही नहीं सकता और वो उस कौम के उस दौर के लोगों में भी नेक व साले थे तो वो सालहीन और अलिया उनको कह लीजिए ईसा सलाम नबी थे हतोज़ैर के सिलसिले में नबूत के बारे में अख्तिलाफ है हाँ और जो है मलाइका एक नूरी मखलूक हैं, हम जानते हैं तो इनमें से किसी को भी वो हक़ देना जो उलूहियत का दर्जा देता है वो शिरक है कुफ्र है हाँ अब अगर आप ये कहते हो कि हम ओलिया सॉलिहन और अम्बिया को पुकार रहे हैं तो आप कोई नया तीर नहीं मार रहे हो नया अमल नहीं कर उसी को क़ुरान हदीस ने शर्क कहा है और ये दुनिया की आलमगीर गुमराही यही तो रही है कि जो शख्स तोहिद का दर्श देने आया कई मरतबा ऐसा हुआ तारीख में जो हमारे सामने सबूत मौजूद हैं मिसालें मौजूद हैं कि जिन तोहहीद का सबक देने वालों ही को वाले ही को लोगों ने वो दर्जा दे दिया दे दिया जिससे वो मना करता था दूसरों के ताल्लुक से और अपने बारे में भी अब नबी करीम का मामला भी हम देख रहे हैं कि आप चूंकि कोई कौम शिरक को उस वक्त करती है जब किसी के बारे में गुलू करती है उसको उसके मकाम से बढ़ाती है अल्लाह के दर्जे तक पहुंचाती है तो हम देख रहे हैं कि नबी सल्लम उम्मत मुसलिमा किसकी इज्जत सबसे ज्यादा करती है करेगी मखलूक में नबी की अल्लाह के बाद मखलूक में नबी को दर्जा देगी तो अल्लाह के नबीसलम के ताल्लुक से अकीदा बिगड़ने का सबसे ज्यादा इम्कान और चांस था और है कि लोग आपकी मोहब्बत और अकीदत को जो होनी चाहिए उससे अगर दर्जा बढ़ा दिए तो अल्लाह से मिला दिया तो शिरक हो जाएगा इसीलिए हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दौरे नबूवत में कदम कदम और मकाम मकाम पर आपने बार बार इससे तमबीही की हाँ कि मुझको हद से ना बढ़ाना ला लातरुनी कमा अतरतिन नसारा ही न मरियम अलग अलग अल्फाज अलग अलग, अलग अंदाज़ में आपने ये तालीम दी कि देखो मुझे मुझको मेरे मकाम से ना बढ़ाना जैसे नसारा ने सा सलाम के बारे में किया था अल्लाह का बेटा कह दिया नौजबल मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं आपसे कहा सैयद किसी ने आके कहा सैयद मत कहो सैयद अल्लाह है हालांकि मखलूक को मखलूक के माना में सैयद कहा जा सकता है लेकिन आपने रोका ताकि शिर का दरवाजा बंद रहे आपके सामने एक सहाबी ने आके कहा माशा अल्लाह व शेता जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे फैजान को जगा दीजिए जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें अल्लाह ने रसूल ने फौरन कहा अज तला निदन क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर बना दिया माशा, कुल बल कुल माशा अल्लाह जो अल्लाह चाहे अकेला ये कहो कितनी साफ तालीमात हैं ये ये मैं दो तीन मिसालें दे रहा हूं फिर कुरान में भी ये मजमून बार बार दोहराया गया आपका मामले में हक नहीं है आप जिसे जिससे जिससे मोहब्बत करें पसंद करें उसको आप हिदायत नहीं दे सकते इन न का ला तदीमता आप कह दीजिए कि मैं अपनी रात के लिए भी नफ़ा का और नुकसान का कुछ भी मालिक नहीं हूँ और आपने अपने करीबी ख़ानदान के लोगों से कहा कि क़्यामत के दिन अल्लाह के के सामने मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा अपने करीबी रिश्तेदारों को भी कहा दूसरे मौके पर आम सहाबा को भी कहा कि मैं अगर अल्लाह पकड़ेगा तो बचा नहीं सकूंगा मैं तुम्हारे बारे में इख्तियार नहीं रखता कितनी वाज साफ क्लियर तालीम है उसके बावजूद ऐसी तालीम के के, के के, बावजूद ऐसे नबी पर ईमान लाने के बावजूद अगर कोई यह कहे कि इस कायनात में कुछ लोग अबदाल हैं कुतुब हैं गौस हैं जो कायनात का निजाम चलाते हैं फला फला गार में उनकी मीटिंग होती है और फिर वो मुख्तलिफ चीजों का फैसला करते हैं तो कितने बड़े यानी इसको हम उर्दू जबान में आप लोग समझते कि नहीं कहें कि अंधेर की बात है यानी ये एक अजीब गरीब तजाद है अब बताइए कि मैं जो बातें बयान कर रहा हूं ये आप समझ रहे हैं बल्कि मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोग सोच रहे हैं कि ये बातें तो हम बार बार सुनते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरा सवाल अगौर से सुनिए कि जो लोग आज कबर परस्ती कर रहे हैं बुजुर्गों की परस्तीश कर रहे हैं वजतुल वजूद का अकीदा मान रहे हैं हा? ला अ की गलत तशरीह कर रहे हैं वास्ते और वसीले के अकीदे के नाम पर शिरकियात में मुबतला है क्या वो कुरान हदीस नहीं पढ़ते पढ़ते हैं उनमें अरबी जानने वाले भी हैं हाँ आलिम नहीं उनके यहाँ तो अल्लामा और न जाने क्या क्या कई लाइन के बाद असली नाम आता है इतने अलकाब लगाते ये सब कुछ पढ़ते हैं हंसने की नहीं गौर करने की जरूरत है ये सब कुछ पढ़ते हैं इतना इल्म वाला कहलाते हैं फिर भी तोहिद के इस वाज तरीन सबक को जिसे कुरान और हदीस ने इस तरह से बयान किया है कि मोटी से मोटी अकल वाले को आसानी से समझ में आ जाए और हम देखते हैं कि जो फितरत पर होता है वो एक खेत में काम करने वाला किसान ही क्यों ना हो वो तोहहीद को बहुत वाजहे अंदाज में मानता है मैंने नकल किया था अहमद दीदाद ने किसी किताब से मैं अपने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया के एक देहाती से मैंने सवाल किया कि तेरा रब कौन है तो उसने जवाब दिया कि मेरा रब ऐसा ऐसा है और शेख अहमद दीदाद ने कहा कि मैं इसका तर्जुमा करूंगा तो हो सकता है आपको अजीब लगे हंसी आए लेकिन गौर करेंगे तो आपको ये देहाती शख्स जो अपने देहाती अंदाज में अपनी तोहिद और रब की तारीफ कर रहा है हाँ वो वाशिंगटन और लंदन के मुशरक से ज़्यादा ऊँचा नजर आएगा तो उसका जवाब का मतलब ये था उसका तर्जुमा उन्होंने किया कि मेरा रब वो है जिसे हाजत नहीं होती इन्हें पाखाने के लिए नहीं जाता तो कहा कि आपको अजीब लगेगा लेकिन गौर कीजिए कि उसका उसकी बात का फहवा मकसूद क्या है कि मेरा रब मतलब उसको कोई ऐब कोई हाजत कोई ज़रूरत नहीं है और चूंकि वो इंसान और देहाती है लिहाजा उसने अपने तौर पर बात कही यही बात कुरान ने बहुत आला अंदाज में बयान की हत ईसा आलाम और उनकी वालदा मरियम दोनों की उलूहियत का रद्द करते हुए कुरान ने नसारा के रद्द में एक जुमला बीच में कहा है हाँ काना या कुल तमाम वो दोनों खाना खाते थे अहमद दीदार साहब ने तोज् दिलाई कि आप गौर कीजिए कि क्या कुरान जैसी अजीम श्शान किताब अल्लाह के कलाम में कोई बात ऐसे ही हो सकती है क्या जिसका कोई मतलब मकसूद ना हो नहीं हो सकती अब कुरान में किसी दो शख्सियत के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो खाना खाते थे ये कोई बाहर अहम बात है कि मैं आपके बारे में आके ये बताऊँ कि अरे वो खाना खाता है मैं और आप कहेंगे खाना खाते हैं ये कोई ख़बर है क्या आप बोलेंगे हाँ खाता है हम सब खाते हैं तो

फ़िरम्न अन्ना हो। शेख ने पिछली इबारत में कहा कि उनके उनका शिरक जो है वो सिफारिश और वास्ता बनाने वाला था अपनी तरफ से वो ये नहीं था कि वो अपने महबूदों को खालिक मालिक राजिक मानते हों नहीं बल्कि वो ये जानते और मानते थे कि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास हैं जैसा कि खुद कुरानी आयात में हम पीछे पड़ चुके हैं उनकी मुराद क्या थी वह इन नमय यानू ना बिल्ला मायान मुशरक़ू न फ़िज़मान सईद कह रहे हैं कि वो लोग इलाह से मुराद वो बात लेते थे जो हमारे ज़माने में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अपने ज़माने और इलाक़े की बात कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में लोग लफ्ज़ सईद से मुराद लेते हैं उस ज़माने में उनके यहाँ सईद बमाना इलाह होता था यानी सईद किसी को कह रहे हैं तो ये मखसूद होता था कि वो ज़ात जिसके पास जाकर हम अपनी ज़रूरियात को मांगते हैं वसीला और वास्ता बनाकर उनके सामने आजज़ी और इबादत वाले अमूर इख्तियार करें ताकि वो वास्ता बन के अल्लाह से हमारी वो ज़रूरत पूरी करवा दें हाँ फ़ताबी और सल अल्लम यदरूम कलमत तोहैद चुनानचे नबी वसम उनके पास आए उनको कलम तोहद की दावत देते हुए और वह कलम तोहद है ला ला और इस कलमे से मुराद इसका माना है सिर्फ इसका लफ्ज़ नहीं है कि आप जबान से कह लें बस काफ़ी है और वल्कफ़ार और जाहिल काफिर अब यहाँ आखिरी बात ये बहुत ध्यान से सुन ले मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ वक्त नहीं है मेरे पास अगले दरस में इन हम फिर से आगे सिलसिला के चलेगा तो यहाँ वाजह हो जाएगा कह रहे हैं कि जाहिल कुफार भी जानते थे कि इस कलमे का मतलब क्या है कि अल्लाह तबारा को तकला बनाना किस बात में उससे ताल्लुक़ कायम करने में और अल्लाह के अलावा जो भी दूसरे हैं उन समाम का इनकार करना लोहियत और महबूद के अतबार से उनसे बरी और ला होना हो जाना यानी कुफ् मक्का भी जानते थे कि ला अला कहने का मतलब यह है कि उलूहियत का बंदगी का सारा मामला हम अल्लाह से वाबस्ता करें और अल्लाह के सिवा जितने लोग हैं सबसे बरी उस जिम्मा ला त्लु हो जाए इसलिए कि फ़ैन इसलिए जब अल्लाह के रसूल सलम ने उनसे कहा कि ला अला कहो तो उन्होंने कहा अजहता क्या इसने सारे महबूदों को एक ही महबूद बना दिया इन नहाज़ा लश अज़ाब यकीन ये बड़ी अजीब बात है हाँ ये इबारत याद रखिएगा इन शर्स में हम इसके आगे पढ़ेंगे हाँ बाहिर ऐसी चीज़ है जिसे आप स, आ, ये समझते होंगे कि हमारे सामने से गुजरती है लेकिन इसमें जो दर्स है कि इस वाज चीज़ को आज मुसलमान कहलाने वाले कई तबकात समझ नहीं पा रहे हैं और ना समझने की वजह से एक तरफ अपने आप को मुसलमान तोद वाला भी समझते हैं और दूसरी तरफ वही शेरक कर रहे हैं जो कुफारे मक्का के यहाँ पाया जाता है अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे शेख निकाल नहीं चलो

ये कोई नहीं है ये गलत है कमाल हो गया मदर ऑफ गॉड नहीं ये है बराबर 50 110 मिनट कभी कंट्रोलर काम नहीं है यही सब है और कहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वो जाएगा और ये यहां पर आएंगे ये जो शुरुआत के

क्या बोल माना मेरे कारों में दे है दे 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 नहीं 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 कभी मार आगे कभी मार शांत हो जो ना 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 ना

बाद एक वो ये सब तो हमने अरे ज्ञान और दोपहर देख एक जायशाला में चला चला भी बार जी यहां पर ये यहां पर बढ़ रहे हैं वो थोड़ा अधिक लगेगा तब भी जरूरत पदम आवश्यक है बच्चे की तरह पूरा निकलना होगा ये होता है बहुत मुश्किल लग रहा है इसको आगे से करके तो पासला होगा चलिए हम भी है एक बार ऊपर आए और और जो शक्तिमान है आज जो हमारे तो है तो मैं के बात बताऊं कि नहीं लगा बनाए क्या करना है तो इसीलिए मतलब ये तो ये हमारा जो भी रहेगा साथ नहीं कि ये ये तो कोई पता ही नहीं है सबको मैं मैनेजमेंट में संपर्क करते हैं और ये जो ये बने हैं वाले इस्ते सलाम वाले सलाम आई एम पर बढ़िया मने हिस्सा कर는데 জোর করে इसमें आटा लगा रहा है इसका अपना उनका बात कर रहा है लगता है बड़ा कोई नहीं नहीं बहुत अच्छा आया था पेट में बोला देखता हूं जानता हूं ये का एक एक जमा अपना शरीर करते देखा सही पर बोला आता गुस्सा होता है एक जैसे